रावत आवत, रावत जावत, रावत खावत, रो रावत सोवत, रावत पीवत, रावत देवत, रावत लेवत, बाकी कहाँ जावत बताऊं मुझे। करा मेरे यहाँ पर इस ब्लॉग। हाँ पापा ने करा, डेनिस दी है ना, पापा ने खनन माफिया पाले, पापा ने वन माफिया पाले, पापा ने यहाँ पे जो है पंजाब हरियाणा से शराब माफियाओं को ला के पाला, पापा ने खरीद फरोख्त करी, पापा की सरकार खरीद फरोख्त के कारण गिरी, पापा कहते थे मैं आंख बंद कर लूँगा 20-25 करोड़ कमा लेंगे, कहा कि त्रिवेंद्र मेरा यार है, पुराना याराना है दोनों का, एक दूसरे की खुजाते हैं। तो भाई अब उन्होंने कहा कि मदद करनी है, मदद कैसे करें, बोले साहब बेटे को टिकट दिला देता हूँ, डमी कैंडिडेट खड़ा कर देता हूँ, वॉक ओवर मिल जाएगा। लेकिन इस बार वॉक ओवर मिलने वाला नहीं है, ध्यान रख लें दोनों रावत, समझ लें इस बात को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों हरिद्वार लोकसभा हॉट सीट बताई जाती है और हो भी चुकी है, और यहां पर जो इस्तीफे देने का दौर चल रहा है कांग्रेस से, आपको बता दूं कि कल भी इस्तीफा दिया है दिनेश कौशिक, चेयरमैन रहे हैं रुड़की से, और लोगों ने भी इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका कहना है कि हरीश रावत ने इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अपनी बपौती समझ लिया है, अपनी अपना घर समझ लिया है, अपना परिवार समझ लिया है, सारी टिकट वो परिवार के लिए चाहते हैं। उनके लड़के वीरेंद्र रावत को यहाँ से टिकट हुआ है, उसको लेकर आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं क्या कुछ कहेंगे, उन्होंने भी मुझे लगता है कि कांग्रेस छोड़ दी, क्या कहेंगे भैया? कौन है आप, क्या नाम? मेरा नाम अमित कुमार बिट्टू, मैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हरिद्वार। जैसे कि हम कांग्रेस के कट्टर सिपाही हैं, शुरू से रहे हैं, टिकट गलत वितरण से एक तो जनता में आक्रोश है, क्योंकि हर बार आवाज जी आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, फिर हार के चले जाते हैं, और हमेशा इन्होंने अपने परिवार के लिए टिकट कराया है। इस बार जनता सोच रही थी कि उमेश कुमार जो टिकट मिले हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसके आज हम इस्तीफा देते हैं अपने समर्थकों के साथ, और बड़े भाई उमेश कुमार जी के साथ हैं और रहेंगे तन मन धन से। जी लगातार चल रहा था कि उमेश कुमार शर्मा जो खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उन्हें कांग्रेस से टिकट हो जाएगा, नहीं हरिद्वार का मुझे लगता है भला नहीं चाहते, जो उमेश कुमार शर्मा जी ने हमें बताया था, और क्या कहेंगे, क्या खामियां रही हैं कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर यहाँ पे? कांग्रेस में जैसे भी हमेशा ही टिकट वितरण गलत होता है, पिछले बार भी रावत जी 2009 में इलेक्शन लड़े, जीते, 14 में उन्होंने कार्य नहीं किए, उनकी वजह से फिर उन्होंने 14 में अपनी वाइफ को लड़वाया जेनुआ रावत जी को, फिर 19 में उन्होंने टिकट के लिए वो दावेदारी की, लेकिन वो टिकट अमृत जी को मिल गया, इस बार फिर उन्होंने गलत टिकट वितरण करवाया, जिससे ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं आपके जैसे जो आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं? आज अभी तो देखो मैं हूँ अपने समर्थकों के साथ आया हूँ, बाकी और संपर्क में मेरे जो उमेश कुमार जी के समर्थन में आएंगे और सहयोग करेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर शर्मा है, और उमेश जी के कार्यकाल को देखते हुए हम उमेश जी के साथ हैं और बिट्टू भाई के साथ हैं जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं हरिद्वार रानीपुर विधानसभा से। अच्छा क्या कारण रहा है कि आप उमेश कुमार शर्मा जी के यहाँ पर आए हैं कांग्रेस छोड़कर? उमेश शर्मा जी के कार्यकाल को देखते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खानपुर विधानसभा में भी और पूरे हरिद्वार जिले के अंदर। अच्छा। तो उमेश शर्मा जी के साथ हम तन मन धन से साथ में हैं और रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी और खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? चर्चाएं थी कि कांग्रेस से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरीश रावत अड़े रहे, और उसका कारण ये रहा कि जो उनकी टीम है, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो आपका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट वितरण गलत हुआ है, क्या हरीश रावत की पार्टी रह गई कांग्रेस? देखिए हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में कांग्रेस का जो पतन किया है वो जग जाहिर है, उन्होंने हरिद्वार को अपनी रियासत समझ लिया है, वो समझते हैं कि पहले मैं लड़ा, लड़के में केंद्र में मंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बना, इस्तीफा दिया तो मैंने अपनी पत्नी लड़वा दी, पत्नी हार गई तो फिर मैं खुद लड़ लिया, फिर बेटी को विधायक बना दिया, अब कह रहे हैं बेटे को सांसद बनाओ। क्यों भाई, हरिद्वार वाले आपके गुलाम हैं, आप जिधर चाहोगे वहाँ चलेंगे, ये कांग्रेस आपकी गुलाम है। आपने आज उत्तराखंड में कांग्रेस जिस अंतिम पायदान पर पहुंच गई है, और ख़ास तौर पे हरिद्वार में जो पतन हुआ है कांग्रेस का, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत हैं, और आज भी इस हठधर्मिता के चलते उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी जिसके संबंध में मुझे लगता है आप सर्वे करा रहे हैं ऑनलाइन, तो 10 लोग भी अगर वोट डाल दें तो बहुत बड़ी बात होगी, तो ये गलत है, इसीलिए सबका मनोबल टूट गया। भाई देखिए कार्यकर्ता झंडा डंडा उठाता है, आपके लिए संघर्ष करता है, वो भी चाहता है कि आप सत्ता में रहें, आप उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें, लेकिन वो कब तक आपके झंडे डंडे, 10 साल से आपका झंडा डंडा उठा रहे हैं, आप 2 बार हार चुके हो, उसके बावजूद भी आप अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ते। तो भाई कांग्रेस का तो मनोबल टूटा लगातार, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, और ये उनका घर है और उनका स्वागत है, और मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि जो मुझसे जुड़ा है वो विधायक है, और हम जीतेंगे
तो जो मुझसे जुड़ा है वो सांसद होगा। हमने तो सबको एक समान एक जैसा प्यार दिया, हिंदू मुसलमान सर्व धर्म के सर्व बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं, रात को 2 बजे तक लोग यहाँ होते हैं, सिर्फ इसीलिए उन्हें मालूम है कि हमारा नेता ना तो भ्रष्ट है, ना परिवारवादी है, और ना हमारा नेता कभी दूसरे को कमजोर करने की साजिशें करता है। वो हरिद्वार की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है, कांग्रेस युवा छोड़कर आ रहे हैं, पदाधिकारी छोड़कर आ रहे हैं, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस का चुनाव यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा में कैसा रहेगा, क्या प्रत्याशी सही है क्या नहीं है, ये तो जनता बताएगी और आने वाला वक्त बताएगी। क्या है, इन राष्ट्रीय पार्टियों ने युवाओं की भावनाओं के साथ, युवाओं की निष्ठा के साथ धोखा किया। लगातार ये सब लोग उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, झंडा डंडा उठाते हैं, उसके बावजूद नेता जो हैं विधायक या सांसद बनते ही सबसे पहले इन लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं, इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ये लोग गाड़ियां लेके उनके पीछे फिरते हैं, दिन रात उनका सहयोग करते हैं, मारा मारा फिरता है कार्यकर्ता, खाने को कभी एक टाइम खाता है एक टाइम नहीं खाता, भागता है दौड़ता है, उसके बावजूद इन लोगों के मन में जरा सा भी इसके लिए रहम नहीं आता कि कार्यकर्ता कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक बहुत बड़े नेता थे, उनका कहना था कि 1000 दुश्मन दोस्त बन जाएं, लेकिन एक कार्यकर्ता कभी नहीं जाना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना होता है, उनकी भावनाओं की उनकी निष्ठा की कदर करनी होती है। ये सत्ता में रहे 10 साल सांसद रहे, कार्यकर्ताओं के हाथ ही नहीं आए। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, हाथ नहीं आए, सांसद बनकर केंद्र में गए, हाथ नहीं आए। तो भाई मुझे बताइए ना, आज ये जो कार्यकर्ता अपने को शोषित पीड़ित वंचित समझ रहा है, अपने को नज़रअंदाज, आज चुनाव आएगा फिर कार्यकर्ता याद आ जाएंगे, मंडल आ गए कमंडल आ गए यहाँ से आ गए, ये क्या ड्रामे हैं भाई। ऐसा नहीं होता, कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा होता है, उसे परिवार की तरह मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आज मंडल के युवा मंडल के अध्यक्ष छोड़कर आ रहे हैं, उपाध्यक्ष पार्टियों के छोड़कर आ रहे हैं, पुराने लोग जो 10-10 साल से पार्टियों में थे 15-15 साल से वो आ रहे हैं, तो वो उनकी कार्यशैली से जो है शुद्ध हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बड़े प्रभावित हैं, पर उन्हें ये पता है कि उमेश कुमार हर किसी का सम्मान करता है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। विधायक जी, आप तो राजनीति के बहुत ही रावत आवत रावत जावत रावत खावत रो रावत सोवत रावत पीवत रावत देवत रावत लेवत बाकी कहाँ जावत बताओ मुझे। सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, विधायक बने, यहाँ से मुख्यमंत्री बने, पत्नी को लड़ा दिया, पत्नी हार गई, फिर खुद लड़ लिए, फिर खुद हार गए, बेटी को लड़वा दिया, विधायक बना दिया, अब बेटे को ले आए। रियासत है क्या किसी की? हरिद्वार की कांग्रेस किसी की खरीदी हुई रियासत है क्या, या जमींदारा है क्या? हरिद्वार में क्या हरिद्वार में एक भी कार्यकर्ता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो सांसद के चुनाव लायक होता? आपने अपने बेटे को क्या योगदान है, आपके बेटे का इस जनपद में क्या योगदान है, आपके बेटे का इस राज्य के गठन में क्या योगदान है, आपके बेटे का जो आज जो पार्टी यहाँ खड़ी हुई। आज एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि बचपन से मेरा बेटा जो है मेरे साथ आंदोलन और इसमें रहा, तो एक कार्यकर्ता ने नीचे लिखा हुआ था कि एक वीडियो डालिए जिसमें उसने लाठी डंडे खाए हों, एक वीडियो डालिए जिसमें उसने आपके लिए दरी बिछाई हो, एक वीडियो डालिए जो आपके साथ आंदोलनों में खड़ा हुआ हो। तो ये शुद्ध कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके नीचे इस तरीके से लिखा। उनके बेटे करा मेरे यहाँ पर इस ब्लॉग। हाँ, पापा ने करा, डेनिस दी है ना, पापा ने खनन माफिया पाले, पापा ने वन माफिया पाले, पापा ने यहाँ पे जो है पंजाब हरियाणा से शराब माफियाओं को ला के पाला, पापा ने खरीद फरोख्त करी, पापा की सरकार खरीद फरोख्त के कारण गिरी, पापा कहते थे मैं आंख बंद कर लूंगा 20-25 करोड़ कमा ले। अब वो बोल रहे त्रिवेंद्र और वीरेंद्र की लड़ाई है और किसी की नहीं बता रहे थे। भाई ऐसा है ना, पापा ने त्रिवेंद्र को वॉकओवर देने के लिए बेटे को दिलाया, समझिए साजिश। आप हरिद्वार के लोग समझ नहीं रहे, पापा खुद लड़ते तब भी टक्कर दे सकते हैं, कहा कि त्रिवेंद्र मेरा यार है, पुराना याराना है दोनों का, एक दूसरे की खुजाते हैं। तो भाई अब उन्होंने कहा कि मदद करनी है, मदद कैसे करें? बोले साहब बेटे को टिकट दिला देता हूँ, डमी कैंडिडेट खड़ा कर देता हूँ, वॉकओवर मिल जाएगा। लेकिन इस बार वॉकओवर मिलने वाला नहीं है, ध्यान रख लें, दोनों रावत समझ लें इस बात को, दोनों रावत समझ लें कि रावत आवत जावत नहीं होगा इस बार। इस बार हरिद्वार की जनता काफी युवा आपके साथ जुड़े हैं, वो कहाँ से आए थे सर? मंडल उपाध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष थे और सचिव भी थे, काफ़ी सारे सदस्य थे ज्वालापुर से आके जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखे लोगों तो कह रहे हैं मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ पर वोट उमेश कुमार को दूंगा। सही कह रहे सर आप। और मैं
बुग्गो आला मंडल युवा मोर्चे का, बीजेपी का युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष था और मैं आज अपने इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं जनता विधायक उमेश कुमार जी के साथ पूरी लगन से पूरी मेहनत से इस लोकसभा चुनाव में उनके साथ है। मेरे साथ हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सत्यपाल चौहान जी, हमारे गांव के बुधवा शहीद के प्रधान भाई संदीप सैनी जी, नवनीत जी और हमारी पूरी टीम बुधवा शहीद से पूर्ण रूप से उमेश कुमार जी का इस लोकसभा चुनाव में पूरे भारी मतों से जिताने के लिए पूरे उत्साहित है और हम सब उमेश कुमार जी के साथ हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? भाजपा के आप मंडल अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के, आज आपने गाड़ी से झंडा भी उतार दिया, प्लेट भी उतार दी, क्या कारण रहा है? इसका कारण है, देखिए, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो इस लोकसभा सीट पर विकास करा सके। मोदी जी के नाम से कब तक ये लोग अपनी दुकान चलाते रहेंगे? मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं, धरातल स्तर पर कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। मैं उमेश कुमार जी को काफ़ी 2-3 सालों से फॉलो कर रहा हूं और मैंने खानपुर की जनता से देखा है जिस प्रकार का प्यार उनके लिए, ऐसा विधायक ना कभी आया है उत्तराखंड में, ना कभी आएगा। तो यही कारण है कि मैं इस पद से इस्तीफा देकर, हम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ उमेश कुमार जी हैं इनके पीछे पीछे चलेंगे, इनके साथ हैं। क्या कारण मिलना उसके से कुछ? नहीं नहीं नहीं, निशंक जी से का टिकट मिलना ना मिलना, निशंक जी वैसे भी 10 साल यहाँ पे, 10 साल उन्होंने नहीं आके झक्का यहाँ पे। और जो रावत जी है मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम कि सांसद बन के वो कुछ करा देंगे। अच्छा, हाकम सिंह जैसे लोगों को शरण देते हैं, वो भांग की खेती कराते हैं, तो ऐसे लोगों से, और वैसे भी उमेश कुमार जी से पहले से ही उनकी पोल खोल रखी है, सब जनता जानती है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही अब। तो बुधवा वाला शहीद और बुग्गा वाला जो लोग है उधर के जी, तो क्या खानपुर विधायक के साथ है? बुग्गा वाला और इस क्षेत्र के सारे के सारी जितनी भी जनता है, जितना भी युवा है, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वह सब के सब उमेश कुमार जी के साथ हैं और हम चाहते हैं उमेश कुमार जी एक वहाँ पर मीटिंग रखें लोगों के साथ, अपने विचार विमर्श रखें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उमेश कुमार जी के साथ जनता चलेगी, क्योंकि जनता को अपना दिखता है भला विकास कौन करा सकता है, कौन नहीं। फॉलो कर रहे हैं उमेश कुमार आप? लगभग जब इन्होंने चैंपियन जी को हराया था तब से फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के। इसके पार्टी के अध्यक्ष कब? मुझे 6 महीने हुए थे, लेकिन मैंने देखा उनका कार्य प्रणाली, मुझे समझ नहीं आई। इंडिपेंडेंट रूप से काम करने की हमारी इच्छा है, जहाँ जनता का विकास होगा, जो जनता के कार्य करेगा, जो हमारे कार्य करेगा, हम उसके साथ। भाजपा बोल रही है घर घर जाकर काम कर रही है, घर घर जाकर विकास दे रही है काम, क्षेत्र विकास, वो क्या झूठ बोल रही है क्या? वो मोदी जी के नाम से ही वोट ले रहे हैं, उनका अपना तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं। अच्छा। जो भी अपने काम को वो काम गिनाते हैं, मुख्यमंत्री योजना के, आवास विकास योजना के, ऐसा तो है नहीं, पहले काम नहीं हुए तो राम मंदिर के, ये मुद्दे हैं उनके, जबकि आम इंसान को राम मंदिर से क्या, वो जो लोग गरीब वर्ग है उसे तो अपना विकास चाहिए ना, गाँव में सड़कें, मकान, बिजली। अच्छा, उमेश कुमार जी अगर किसी टिकट पर आ जाते हैं कांग्रेस के, फिर भी आप साथ लो? जी बिल्कुल, हम उस व्यक्ति विशेष के साथ है, ना कि किसी पार्टी के साथ है, क्योंकि जी इधर देखो प्रधान, हाँ जी प्रधान, प्रधान मुकेश राठौर, वो किसके साथ है? वो हमारे साथ है, इधर देखो सर। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज समर्थन दिया है उमेश कुमार? ऐसा सर, 10 साल हो गए उन्हें जिन्होंने टिकट दे रखा था, हमारी तरफ कोई बोर्ड नहीं है, कोई काम नहीं करा निशंक जी ने, आज वही स्थिति जो पहले थी। तो निशंक जी हट गए, अब तो त्रिवेंद्र, अब वो भी उससे भी आगे है, उसके बस का भी कुछ काम नहीं है। किसके पीछे? जो पीछे एक बार मुख्यमंत्री का पद नहीं थाम सका 5 साल, वो क्या सांसद 5 साल थाम लगा बताओ मुझे आप? नहीं थाम लगा, हमें से कोई आसानी है कि काम करेगा हमारे प्रति। तो पूरा गाँव किस तरफ है? हमारा तो उमेश की तरफ है, पूरा पूरा गांव उमेश की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा नहीं आपके चार आदमी अगर तुम ऐसा नहीं हो तो और बताओगे ना, कितने मिलेंगे हम बताओ क्षेत्र में क्या होगा? ग्रांत से बुग्गा वाले के पास में ही है जी। तो आज क्यों समर्थन उमेश कुमार जी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कट्टर माने जाते हैं आप बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो देखो यहीं पे हरिद्वार में रहता हूँ और इनका कार्य भी देखता हूँ और खानपुर क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उस वजह से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और हमें ऐसा प्रत्यक्षी चाहिए जो हमारे घाट क्षेत्र को लेके चले साथ में। तो अब तक बीजेपी ने विकास नहीं किया? विकास नहीं किया, अगर विकास करते तो फिर बात ही क्या थी, वो गरीब के साथ नहीं, वो अमीर के साथ है अधिकतर।